यूपी डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पीएनपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। यहां पर ये जो नोटिस है वो भेजा गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से, और ये जो नोटिस है वो सभी डायट कॉलेज, उत्तर प्रदेश के जितने भी डायट कॉलेज हैं और समस्त प्राइवेट में यानी कि निजी कॉलेजेस को ये नोटिस है वो भेजा गया है। और स्क्रीन पर आप देख लीजिए, बताया गया है कि डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 के आंतरिक अंक, जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल वाले, वो पूरित न होने के संबंध में ये नोटिस भेजा गया। कुछ कॉलेजेस की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे कॉलेज के कुछ बच्चों के मार्क्स या तो गलत अपलोड हो गए हैं या फिर उनके जो मार्क्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो इसके लिए पोर्टल को एक बार फिर से ओपन किया जाए। सो फाइनली पीएनपी की तरफ से ये बड़ी अपडेट दी गई है, उन सभी स्टूडेंट्स और कॉलेजेस को राहत दी गई है जिनके मार्क्स या तो अपलोड हो नहीं पाए थे या फिर गलत अपलोड हो गए थे। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर ये हो गया रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं मार्क्स अपलोड हो ना पाए हों या फिर गलत अपलोड हो गए हों, ऐसा तो होता नहीं है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ाए जाते होंगे कॉलेजेस के द्वारा, ये प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा इसी तरह के ड्रामे किए जाते हैं, आपको पता ही होगा, ये लगातार चलता रहता है। और यहाँ पर बताया गया कि उसको दृष्टिगत रखते हुए डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 में आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित ना होने और त्रुटिपूर्ण अंकित होने को संशोधित किए जाने, ठीक है, गलत अंक अपलोड हो गए तो उसे संशोधित, ठीक है, करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। और इस लेटर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित किया जाना। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुए डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2023 में आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक हैं वो पूरित ना होने यानी कि अंक अपलोड ना होने या फिर अंक गलत अपलोड होने के कारण संशोधित किए जाने के लिए ये अंतिम अवसर जो है वो प्रदान किया गया है सभी कॉलेजेस को। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण संस्थान यानी कि कॉलेज के द्वारा जो स्टूडेंट्स के अंक हैं, जो मार्क्स हैं, वो अपलोड किए जाएंगे या तो संशोधित किए जाएंगे 14 सितंबर प्रातः सुबह 8 बजे से लेकर 15 सितंबर शाम 5 बजे तक का ये जो समय है वो दिया गया है कॉलेजेस को, ठीक है। इसके बाद डाइट के द्वारा अभी लोगों का मिलान करते हुए उनको अप्रूव किया जाएगा मार्क्स को, तो ये यहाँ पर एक दिन का समय दिया गया है पीएनपी की तरफ से, एक नहीं दो दिन समय हो गया, क्योंकि 14 सितंबर और 15 सितंबर दो दिन का समय मिल रहा है। तो इसी समय में अगर आपके मार्क्स में भी कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे कॉलेज वालों ने मार्क्स कम दिए हैं, तो जिस तरह से आप चाहें उस तरह से अपने मार्क्स में संशोधन करवा सकते हैं। अभी तो आपको अभी पता चला नहीं होगा कि कितने मार्क्स दिए, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं। रिजल्ट अब आपका अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, लास्ट अक्टूबर तक, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कॉपी वगैरह भी चेक हो चुकी हैं, बाकी ये मार्क्स वगैरह का संशोधन होगा। तो अक्टूबर लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो पीएनपी की तरफ से घोषित हो सकता है। रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं, तो बाकी आप फोन साथ इसी तरह से बने रहेगा, जैसे आपके रिजल्ट आएगा वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।